मार दी, मार दी। अरे छोटे मालिक क्या हुआ, अरे छोटे मालिक क्या हुआ? संपत वो आ गया, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। संपत वो मुझे नहीं छोड़ेगा। संपत, अरे छोटे मालिक, आपने कोई डरावना सपना देखा होगा, मैं तो यही हूँ। संपत वो रोज इसी तरह आके मुझे डराता है। संपत भैया अभी मुझे छोड़ के बम्बई चले गए, मैं क्या करूँ संपत? अरे छोटे मालिक, आप कुछ मत करो, आपके पैर में तो पहले से ही सेप्टिक है, अगर ज्यादा भाग दौड़ करोगे तो ये पैर भी कटवाना पड़ जाएगा। संपत में तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, तू ही कोई रास्ता बता। अरे मालिक, छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी, एक रास्ता तो है। अरे संपत, ऐसे वक्त में मुंह की लंबाई चौड़ाई मत ना, बस रास्ता बता। अरे मालिक, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो सुपारी लेकर मर्डर करता है। अरे तो संपत मिलाओ ऐसे किलर से, हम उसके घर में सुपारी सुपारी कर देंगे। कितनी सुपारी खाता है वो? अरे मालिक, खाने वाली सुपारी नहीं तो पैसा पैसा। कितने पैसे लेगा वो? मालिक एक के 50,000। वो कितने हैं? वो तो 3 है। तब तो मालिक 1.5 लाख रुपया हो गया। अरे लेकिन वो 3 में से 2 हैं, एक तो आधा ही है, 2.5 हो गए। तब तो मालिक 1,25,000 हो गए। ठीक है तो संपत, कराओ मुलाकात हमारी उनसे। मम्मी पहली रोटी इनके को आंदी जो सुबह सु चाय का घूट भी ना भरो, भूख लग रही है। दे देगी बाबल हो रही दिखे, मम्मी आगे बातन में कतई नहीं आनो, पहली रोटी हां दे हिसाब सु तेरे सारे काम करूं, देख ले अभी तो उपला भी ला के दिए। मम्मी याद रखियो, पिछले साल तेरे कुंडल बेच के साइकिल भी लाया हो, भूल मत जाइए बात। पापा तने एक रैपटॉप फेंक के मार दी जा के मुंह को, दे तमे कहा चोर पोर बता रहो। बेटा पापा प्रकाश ना तेरे बहकावे में, तो मम्मी बहका ले तू तरस। मम्मी बहका ले मतलब तुम्हारी मम्मी पागल बता रहा हो भैया को मतलब यू है? देखा सारे गांव में डोली आई हो, हाथ पे धर लीजो लालटेन। तुम्हारी जैसी मम्मी एक तो पढ़ी लिखी सभ्य है और मलू साफ शुद्ध पूरे गांव में नहीं मिलेगी, पहली रोटी मोह देती है अगली। अरे मारे ना वैसी डरा रही है, नहीं तो आगे खुद देख। बता मैं इतनी व्याकल ना मेरे यार, पहली रोटी गाय के होकर रहे पर थारे पेट में तो भभक्कर लगो रहे, और मम्मी तो इतना बड़ा पेट ना इतना सो। देख मम्मी तेने आको ना मंगल गलत धरो, आको तो नाम शनिचर हो तो। नाम बताओ। बाबूजी संपत। काम बताओ। बाबूजी सुपारी लेकर आए हैं। सुपारी? सुपारी? तुम इनको यहाँ संभालो, मैं पापास को लेके आता हूँ। पापास? पापास तो लैट्रिन में है। लैट्रिन तो आती जाती है, सुपारी अभी आई है। पापास सुपारी मिली, पापास हमको भी सुपारी मिलेगा रे। क्या है? चांद हांकना भी नहीं देता है। पापा सुपारी आई है, मेरे लिए बचा के रखी है। पापा वो खाने वाली सुपारी नहीं, गिनने वाली सुपारी है। चल, पापा आपने हाथ तो धो लिए थे ना? वो तो मैंने नहीं धोए, धोने होते हैं क्या? पापा इस बात को यही दबा देना, हाथ से सुपारी नहीं जानी चाहिए। ठीक। हाँ रे संपत, जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? बाबूजी सबने देखा। तो हमें भी दिखवाओ। हाँ हैं? अरे छोटे मालिक, थोड़ा ही इनका भी मनोरंजन करवाइए ना। बजाओ रे ढोलकियाँ। We'll be right back.
नाचे भाई। बाबूजी से बोल दो इनके पैर में तो सेप्टिक हो रही है, अगर ज्यादा नाचेंगे तो पैर कटवाना पड़ेगा। रोको! अब ढोलक हम बजाएंगे और नाचेंगे वो। जन्मदिन है प्रोग्राम ए तो पापा तुम्हें कहा लगी मंगल के रिश्ता वाले आ गए ये हमारे ढोलक बाज रहो। अरे मो लगी लगाई ना कुछ भी, तुम जो कोई केक वेक ले आयो तो वहाँ काटो और अपना जन्मदिन मनाओ, ढोल वोलन करो बंद। पापा प्रकाश तुम फिर उल्टी बात करने को, केक तो रात के टाइम कटिक रहे हैं। ओ छोटे भीम सुबह छोटे भीम, यो दोपहर के 3 बजे हुई और 3 बजने वाले, काट लो केक हो रहा टाइम। अमन पापा प्रकाश की आज्ञा का पालन कर भाई फटाफट, केक लेकर झट पर पापा रुस जाएंगे, अगर पापा रुस गए तो बेटा सौंझ को धार नहीं करेंगे हम तो और काटनी पड़ेंगे, समझ जा बात है। हैप्पी बर्थडे। अब पापा ने 3 बजे को टाइम दिया, 10 मिनट में कहा इंतजाम हो तो यू ही होगा। ला मंगल साइड पेड़ चक्कू दे यार, 3 बजने वाले मुहूर्त लिखो जा रहा हूँ केक को। कुछ कट रहा है केक, इस बढ़िया कटाएगा जब पीस लिखने। लेंसु अपने हाथ से पीस काट के और दिबला बुझा के कर दो हैप्पी जन्मदिन को केक कटिंग। हैप्पी जन्म दिवस, हैप्पी जन्म दिवस, हैप्पी जन्म दिवस। देख ला मंगल, जन्म दिवस की खुशी में सारी मौन मर्यादा भूल गई हूँ। अरे पहले अपने बड़े बूढ़े ने खवा कर रहे, पापा खवाओ हंसो आशीर्वाद लो, खवा पापा खवा, हम तो पीछे खाई लेंगे, हमको सारो केक धरो ही अगलो। हाँ भाई संपत, अब तो बातचीत हो ही गई है, बुलाओ इन प्रकाश के लौंडों को, इनका फैसला कर ही देते हैं। आज कैसे उदास से बैठे हो? वो लगा मम्मी की याद आ रही दिख है तुम्हें। कैसे मम्मी चारों धाम की यात्रा पे ही गई है, अरे मौ मान के को गई है, आ जाएगी 2-4 दिन में, सबकी जावे हमारी कन्यारी गई है। क्यों पापा जी न लग रहा कोई तुम्हारा? फिर काय को थूत लटकाए बैठे हो? अरे बैठे कहां, बस पूछे मत ना, वो भट्टा वाला ना जट्टों में अन गोली मार दी, वन काई सुपारी दे दी गई है हमारी, वो भट्टा पे को बुला रहा हूं, वही जाने के मारे सोच विचार कर रहे हैं। गाड़ी खड़ी तो है बेटा, गाड़ी तो खड़ी है पर बिनो तेल के तो नौ चले। तो फिर तेल गेल लो ना, मैं तेल गेल लो हार देते ना तुम, पता कह रुपए लीटर हो रहा तेल। अरे अब तो गाड़ी वाड़ी जब भी चलेंगे जब मुआवजे वुआवजे मिल जाएंगे, हम तो अपने ई रिक्शा तैयार कर रहे हैं। ए पापा एक काम ना करें, जब बुग्गी ना ले चले। अरे बुग्गी तो ले चले, कटला कई दिन में जाके पहुंचेगा, बहुत मट्ठो चले। अरे तो ऐसे करो सारी बात छोड़, मैं तोता सु कह दू वो अपनी गाड़ी ले चलेगा, आप फोन कर दू आ जाएगा। यू बढ़िया बताई पापा तुमने, यू सबसे बढ़िया जुगाड़ रहेगा, मैं तैयार हूँ कार। बेटे बेटे मौज कर दी। पापा प्रकाश हमें बता दो का हथियार वतियार लेना हो कुछ, हम भी करें तैयारी अपनी। अपने वजन के हिसाब से ले ले जितना तू उठा सके, शेर के शिकार को 1.25 शेर को इंतजाम करके चलना चाहिए। अरे कहा लिया यो? ये पापा प्रकाश यू गहती है और जब ही चलती है ना बहुत कुछ कहती है।
पापा क्यों कहानी थी हो रही है? हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं। अरे तो चलना हो तो चल, बात तो बढ़ावे मत। तो हम भी नए नए पैर के चलेंगे, हम तो इन पुराने गुजरे में चलेंगे, नए पैर के आएंगे हम। तो मेरे शेरो डर तो नहीं रहे हो? डर, ये डर क्या होता है पापा? वो तो चला रहा है, डर क्या होता है? डर क्या होता है? गोली लग जाती ना तब पता चलती डर क्या होता है। एक बात सुनो दोस्तों, हमें अमन और मंगल से लड़ना है, उसके पापा से नहीं। ऐसा क्यों है? तुमने तो वो कहानी सुनी होगी, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। और असली बीमारी तो वो दोनों हैं, बुड्ढा तो वैसे बीमार है, दोनों बीमारी को खत्म कर दोगे तो बुड्ढा वैसे ही मर जाएगा। हो सकता है कि वो संख्या में हमसे ज्यादा हो भी सकता है कि उनके पास असला बारूद ज्यादा हो, तो डरना नहीं है किसी को। बेटे बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह से लो तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ओ नेता किराया दे जा। किराया? हीरा हम यहाँ मर्डर पर्डर करने आए। हम मर्डर वर्डर बाद में करते रहिए, पहले किराए थे। ले। अरे दोन को ये। हीरा तो बाबा हम दो ही तो हैं, ये तो बालक है हमारी गैल। जब कहे किराया इकट्ठा जाओ तू साइड पे बैठे, गोली चलेंगे। हाँ भाई किसकी मौत आई है? जाना सो तो वो शेर जगाया है। बड़ा तू है हमें लेयर पहले बैठ गए हो। ए पापा प्रकाश, तुम जो है ना बाहर भीतर के आदमी के आगे बेइज्जती मत करे करो। देखे चाचा प्रकाश, आप मुझे समझदार लगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच गोलियां चले। अरे चलाएगा तो जब तो पे होंगे, है तो पे कोई तमंचा? अरे ढांचा बेटा, जरा इनको हथियारों के दर्शन कराओ। पापा गांव में प्रधानी का इलेक्शन होने की वजह से धारा 144 लगी है और सारे हथियार जमा हो रखे हैं। देखिए चाचा प्रकाश, हम तो ये चाहते हैं कि गोलीबारी की बात ना हो। हमारे पहले पैर में गोली लग चुकी है, सेप्टिक बनी पड़ी पैर में। हम तो ये चाहते हैं कि इस दुश्मनी को पहलवानी के दाव पे सुलझाया जाए। पापा प्रकाश यहाँ की बात बता दी है तुम। हाँ भैया ये बात तेरी बहुत बढ़िया लगी मो। अब हमारी ओर से तो हमारा छोटा बेटा अमन लड़ेगा और तू भेजूंगे तो किसे भेजे? बेटा बच की जान। बुलाओ रे कोमल को। कोमल मोड़ दे उसको पुंजारे। ओ भाई एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अबे तू कहो को बाजू न चढ़ा रहो, यू का तमीज है भाई। ए पापा प्रकाश यू का अन्याय हो रहा, मैं बड़ा हूँ, मैं लड़ूंगा यासु, मैं की जान जोखिम में कैसे घेर दूंगा। ओ चलो वो टोल वाले बैंड बाजा लेके आ रहे हो। अरे कोमल कहाँ रह गया? है भाई यू कहा जब आने तेरी किस्सु कहवे लड़ाने को, देखे किस्सु लड़ा रहा तू। अरे यही तो कोमल है। मैं तो लड़ पाऊंगा यासु। अरे कैसे मेरी नोक कटवा के छोड़ेगा? अब थारी नोक के चक्कर में अपने हाथ पांव ने तुड़वा लूं। हे मंगल मेरे यार क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? ज्यादा मुकदम मत बने, तू बचा ले इज्जत, तेरे हाथ पांव नो। अरे मंगल देख मैं बताऊं तो यासु लड़ने को फार्मूला, सबसे पहले तो घबराना नहीं। ओ ना भैया मैं तो घबराऊंगा, भैया मैं ना सुनू अब काई की भी, मैं तो घबराऊंगा, मैं ना सुनू तेरी, मैं तो हाँ भाई निकल गए एकड़ी, या भी और गर्मी बाकी है? अरे गर्मी की तो पता ना मेरे यार, पर एक शायरी बोलनी तो शायरी बोल लंग दे। चल बोल ले। अरे किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को,
गर्दिश में तो कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को। पापा ये तो शायर ही बोल रहा है, लेकिन आज तुझे दूर दूर तक कोई बचाने नहीं आएगा। बेटे दव वाली अमन की सेटिंग। अरे सेटिंग कौन किसकी सेटिंग? काहे को गाल बजा रहा? सेटिंग 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 वाली है सेटिंग। अरे अमन ना तू फोन उठावे ना तू मैसेज का रिप्लाई करे, का चक्कर है तेरा? अरे पापा ना चलान देते फोन है, संदूक में धर रखो। नु कह रहे पहले पेपर खत्म हो जाएंगे जब चलियो। बता मैं कहां से करता तो फोन और मैसेज? तेरे पापा का दिमाग चल गया दिखे, मो मिलोयो तो मैं बात करूंगी उनसे। ये बैठे पापा तो दूर को जानो, समझा दे का समझावे। सोई पापा जी। अरे कोई बात ना बेटा, तो का पता थोड़ी मैं यहीं बैठा हूँ, कोई बात नहीं। तेरी अभी रेफल लेके खड़ी रहेगी, जब लाई है तो अन्योरी इन पे कुछ तौन ले, ये हम पे हाथ छोड़े तो फायर खोल दीजिए तुरंत। चल मंगल। पागल नहीं है भैया हमारा दिमाग खराब है, हम पागल नहीं है भैया। रब्बा दुख ना बखाई मेरे बापू नू, तू मेरी भावे जान कट ली। माड़ा टैम ना बखाई मेरे बापू नू, तू मेरी भावे जान कट ली। मम्मा मम्मा मैं कल तो स्कूल नहीं जावांगा।